हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे खीरे का थाली पीठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे बनाना। तो थाली पीठ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 मध्यम आकार के कद्दूकस किए हुए खीरे। तो मैंने यहाँ 2 मध्यम आकार के खीरों को कद्दूकस करके रख लिया है। अगर आपको खीरे का टेस्ट बहुत प्रोमिनेंट चाहिए थाली पीठ में, तो आप 2 की जगह 3 खीरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं इसे एक बड़े बोल में पलट लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच बेसन। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आटा। मैंने 5 बड़े चम्मच आटे का प्रयोग किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा रफली चॉप मिर्चा और गार्लिक। अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खीरे में अपने आप में ही बहुत सारा पानी होगा, तो ये बैटर काफ़ी अच्छे से खीरे के पानी में ही बाइंड हो जाएगा, और इसको आपको थोड़ा सा और पतला करने के लिए एडिशनल वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। आपको इसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का रखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे इसे आपको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में मेंटेन करना है। तो चलिए अब हम थाली पीठ को सेक लेते हैं। तो थाली पीठ को सेकने के लिए सबसे पहले आप एक नॉन स्टिक पैन या तवा ले लें और उसमें ऑयल ब्रश कर लें। तो पैन को अच्छे से हीट होने के बाद अब हम इसमें थाली पीठ को सेक लेंगे। इसको आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है गोल आकार देते हुए। कितना गोल्डन और क्रिस्प सा टेक्सचर इसका हो गया है। ऐसे ही इवनली हम इसको दूसरी साइड पे भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, थाली पीठ बन के तैयार है। इसे आप केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करके खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।